हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 को डिस्कस करेंगे, हाफ ऑफ द पॉइंट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। दैट इज एक्टिविटी फिल द गैप्स एंड कंप्लीट द टेबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। वहां पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेंट के दो अलग अलग वैल्यू दिया और रूट्स को पूछा। एक बार डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac का वैल्यू है 5। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 5 है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, यानी कि नेचर क्या होगा? दे विल बी रियल एंड अनइक्वल रूट। इन द सेकेंड केस डिस्क्रिमिनेंट उन्होंने दिया है -5, तो रूट्स कैसे हो गए? रूट विल बी नॉट रियल रूट्स। ओके, रियल रूट्स नहीं होगी। सेकेंड क्या है? सम ऑफ द रूट्स दिए गया है -7, राइट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा। वी नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है रूट्स के बेस पे कैसे निकलता है, तो x² - α + β (x) + α β = 0। यहां पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -7, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 5। अगर मैं उसे उस इक्वेशन में रखता हूं तो मुझे मिलता है x² - -7x + 5, यानी कि इक्वेशन बनेगा x² + 7x + 5 = 0। ठीक है, लेट्स सी द थर्ड। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, 2x² - 4x - 3 = 0, देन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पूछा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए बी सी के वैल्यूज रखेंगे। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है -4। ठीक है, यहां पे मिस्टेक नहीं करना है, -4, सिर्फ 4 नहीं है। जब कभी भी आप कंपेयर करते हो साइन का बरोबर ध्यान रखना है। ठीक है, बी का वैल्यू है -4, सी का वैल्यू है -3। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी कि माइनस ऑफ बी की जगह पे -4 डिवाइड बाय बी का, ए का वैल्यू है 2, यानी कि माइनस ऑफ -4/2, दैट इज सेम एज माइनस माइनस कट, 2 2 = 4, यानी कि आंसर इज अल्फा प्लस बीटा इज 2। अल्फा इंटू बीटा इज c/a, द वैल्यू ऑफ सी इज -3 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 2, so it is -3/2, and say question number 1 gets complete. Let's see question number 2. Find the value of the discriminant. First is looking too simple, so that is an exercise for you student. Let's see question number 2. Inside question 2, let's see 2. 2y² - 5y + 10 = 0. The first thing will be to find the value of ABC. हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? तो कंपेयरिंग विथ ए, यहां पे इस चीज का ध्यान रखो कि यहां पे आप लिखोगे ay² + by + c = 0। यहां पे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c मत लिखना, बिकॉज गिवन इक्वेशन जो है उसके अंदर x वेरिएबल है, वहां पे y है। तो कंपेयरिंग विथ दिस, ए का वैल्यू आया 2, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू है -5 एंड सी का वैल्यू है 10। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डेल्टा, दैट इज सेम एज b² - 4ac। याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट इज डेल्टा विच इज सेम एज b² - 4ac। ओके, बी का वैल्यू है -5, उसका स्क्वायर -4, ए का वैल्यू इज 2, C का वैल्यू इज 10। इट्स वैल्यूज रखा है, किसी भी माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस ही होता है, ठीक, यानी कि ये प्लस ही होने वाला है। -5 - -5 = 25, सो इट इज 25 माइनस 10, 2 = 20, 24 = 18, 25 - 18 ± साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये होने वाला है माइनस में, डेल्टा का वैल्यू जो भी आएगा माइनस में आएगा, 25 और 18 डिफरेंस कितने का है,
तो डिफरेंस इज ऑफ 55. सो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिला -55. ठीक है, इजी है, ज्यादा कुछ ट्रबल नहीं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस. सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज √2x² + 4x + 2√2 = 0. हमें पहले क्या चाहिए, हमें एबीसी का वैल्यू चाहिए. सो कंपेयरिंग दिस विथ ax² + bx + c = 0, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ रूट टू है इसलिए रूट टू. बी का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू है 2√2, राइट? अब हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, सेम एज b² - 4ac. ओके, देयरफॉर डेल्टा इज सेम एज b का स्क्वायर, यानी कि 4² - 4 टाइम्स a का वैल्यू क्या है, √2, c का वैल्यू है 2√2. वी नो 4² क्या होता है, 16 माइनस. अब क्या करते हैं हम लोग, जो भी नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको करते हैं. जैसे कि ये मैं 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 4 2 बन गया 8. ये जो रूट टू है उसको मैं रूट टू के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना? रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाता है, 2, राइट? सो वो बन गया 2. सो दिस इज नथिंग बट देयरफॉर माय डेल्टा इज, therefore my delta is 16 - 16, therefore my delta is 0. तो delta का value 0 है, मतलब given quadratic equation के nature के बारे में क्या बोलेंगे, roots के nature के बारे में, roots are real and equal, पूछा नहीं गया but just for the convenience. ठीक है, okay, this was question number 2. आगे हम लोग question number 3 देखें. so अब हम लोग करेंगे question number 3. question number 3 is to determine the roots of the following, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब हमें सिर्फ नेचर निकालना है, रूट्स नहीं निकालना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x² - 4x + 4 = 0. हमें क्या चाहिए, नेचर ऑफ द रूट. नेचर ऑफ द रूट कैसे पता चलता है, तो डिस्क्रिमिनेंट से. डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें ए बी सी के वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0. ए का वैल्यू क्या है, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, ए इज 1. बी, द वैल्यू ऑफ बी इज -4. साइड का ध्यान रखना है, 4 नहीं है, वो -4 है. अगर आप इन दोनों को अच्छे से कंपेयर करोगे तो यहां पर x के साथ प्लस b है जिसको हम लोग b पढ़ते हैं, और यहां पर x के साथ -4 है. साइन का ध्यान रखना. ओके, c का वैल्यू है 4. फिर हम लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज सेम एज b² - 4ac. सो इट इज सेम एज -4², करेक्ट? -4 × 1 × 4. Okay, so this is same as what? 16 - 16 = 0. Means value of delta equal to 0. Whenever the discriminant is 0, what is the nature? What is the nature? Yes, roots are real and equal. Okay, so this was the first one. Question number 2 in it. 2y² - 7y + 2 = 0. Since यहाँ पे वेरिएबल y है, we will compare with ay² by + c = 0. After comparing, y square के साथ है 2, y के साथ है -7. Again, sign का ध्यान रखेंगे. c के साथ है 2 + 2, यानी कि 2. Discriminant का value चाहिए हमें nature के लिए, तो it is -7² b की जगह पे मैंने -7 रखा. -4 × (a)(2) and the value of c is also 2. Okay, this minus ka square karoge to wo answer plus mein rahega. So it is same as 47. Ye -4 × 2 = 8 × 2 = 16. Ye 47 hi, ye 49 hoga, right? Yes, 49. Fir ye kitna hoga difference? 3 3. 33 is the difference. अभी आपको पता चला डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है 33, विच इज ग्रेटर देन 0. इंप्लाइज यू व्हाट? जब ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल हो गए एंड अनइक्वल हो गए. अरे सिंपल सा था. लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज m² + 2m + 9 = 0. वेरिएबल है मैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग विद am² bm
एंड सी इज इक्वल टू जीरो. यहां पे एन स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, वन. ए का वैल्यू हो गया वन, बी का वैल्यू है टू, सी का वैल्यू है नाइन. लेट्स पुट इन द डिस्क्रिमिनेंट. बी का वैल्यू है टू का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वन, ए की जगह पे वन, सी की जगह पे नाइन. सो दिस इज फोर माइनस फोर इंटू नाइन, दैट इज सेम एज फोर माइनस थर्टी सिक्स, दैट इज सेम एज प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस थर्टी टू. जो डिस्क्रिमिनेंट है वो माइनस थर्टी टू है, नेगेटिव नंबर है, यानी इट इज लेस देन जीरो. जब लेस देन जीरो तब हम लोग क्या लिखेंगे, रूट जो है वो रियल नहीं है. एंड जब वो रियल नहीं होता है तो उसे हम लोग इन डिटेल डिस्कस नहीं करते, सिर्फ नॉट रियल लिख के छोड़ देते. वो इक्वल है अनइक्वल है उसके बारे में हम लोग टेंथ में बात नहीं करते, सिर्फ इतना लिखेंगे कि रूट्स रियल नहीं और ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थ्री. अब क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर. द क्वेश्चन नंबर फोर इज फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो. यानी कि हमें रूट्स दे दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना. तो आपको पता होगा जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर अल्फा और बीटा रूट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है. इट लुक लाइक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो. राइट, इस तरीके से हमें वो रूट दिखते हैं, मतलब रूट से अगर इक्वेशन बनाना तो इस तरीके से बनाएंगे. तो यहां पे उन्होंने दे दिया है जीरो एंड फोर आर द रूट, देयरफॉर वैल्यू ऑफ अल्फा इज जीरो, द वैल्यू ऑफ बीटा इज फोर. तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हो गया फोर, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, वो हो गया जीरो. जीरो इंटू फोर इज जीरो, करेक्ट. इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट जीरो इंटू फोर, दैट इज जीरो. अब ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन में रख देंगे. मैं इक्वेशन लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, फोर एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो. सो यहां पे हमें क्या मिला, रूट्स दिए थे और इक्वेशन बना. एक छोटा सा नोट है स्टूडेंट्स के लिए, आपको एक रूट जीरो मिला, उस केस के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है आपको. जैसे कि आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, माइनस फोर एक्स दिख रहा है, लेकिन यहां पे आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा. ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, आप नोट कर ले, ठीक है, काम आ सकता है. सेकेंड इज थ्री कॉमा माइनस टेन, मीन्स रूट्स आर थ्री एंड माइनस टेन, मतलब कि हम लोग लेंगे अल्फा इज इक्वल टू थ्री, बीटा इज इक्वल टू माइनस टेन. ठीक है, फिर हम लोग अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं, दैट इज थ्री प्लस माइनस टेन. सिंस प्लस के बाद माइनस था इसलिए ब्रैकेट लिखना बहुत जरूरी. सो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसको, माइनस टेन और थ्री को. तो प्लस माइनस होगा क्या, माइनस हो जाएगा. तो दिस इज सेम एज थ्री माइनस टेन, दैट इज सेम एज माइनस सेवन. बहुत सिंपल, अल्फा इंटू बीटा थ्री इंटू माइनस टेन थर्टी, माइनस थर्टी प्लस माइनस माइनस साइन होगा, मल्टीप्लाई करना था लेकिन साइन के लिए प्लस और माइनस माइनस है. सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस, फिर क्या लिखना है हमें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस सेवन प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो. सो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो प्लस सेवन एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे उसका वैल्यू लिखना था, दैट इज माइनस थर्टी. ये प्लस और ये माइनस, माइनस थर्टी. ओके, सो दिस वाज द सेकंड. लेट्स सी द थर्ड वन इन अ कंटिन्यूएशन. ओके, द थर्ड वन इज हाफ कॉमा माइनस हाफ. सो अल्फा प्लस बीटा, दिस इज माई अल्फा एंड अदर इज बीटा. ओके, सो इफ आई एड दिस हाफ प्लस माइनस हाफ, करेक्ट. सो दिस इज नथिंग बट जीरो. ओके, अल्फा प्लस बीटा इज जीरो. अदर थिंग इज अल्फा इंटू बीटा, हाफ इंटू माइनस हाफ,
सो न्यूमरेटर गेट मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, 1 इनटू माइनस 1 इज माइनस 1, डिनोमिनेटर गेट मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर, तो 2 टू जा 4. अब इक्वेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो. सो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं लिखूंगा 0, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिखूंगा माइनस 1 बाई. ठीक है, ये तो 0 है, मतलब कि ये टर्म का कोई मतलब ही नहीं ना, ये पूरा 0 होगा ये टर्म. एक्स स्क्वायर प्लस माइनस okay, so the third one is this. Let's try fourth one, right? Okay, fourth. Simple सा है, सारे question अगर आप देख लो एक बार तो बहुत easily ये chapter से आप score कर सकते, right? कुछ ज्यादा difficult नहीं है. Question fourth क्या है उसके अंदर, so 2 minus root 5 and 2 plus root 5. So alpha plus beta क्या होगा, 2 माइनस रूट 5, दिस इज माई अल्फा एंड दिस इज माई बीटा. फिर मैं ऐड करता हूं 2 प्लस रूट 5. बहुत सिंपल सा ना, ये और ये अपोजिट साइन इसलिए कैंसिल. 2 प्लस 2 4, अल्फा इंटू बीटा थोड़ा देखना है, 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5. सो ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस, ये क्या होगा, ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि वो सिर्फ 5 बचेगा. सो इट इज माइनस 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस 1. तो अभी मैं यहां पर डायरेक्टली लिखता हूं, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं 4 लिखूंगा, 4x, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैं माइनस 1 लिखूंगा. सो दिस इज नथिंग बट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनके रूट ये दोनों. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जिसके ऊपर स्टार है. ठीक है,